हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, क्या आप सभी ने आज तक प्ले स्टोर का यूज़ किया है? सो आप सभी का आंसर होगा यस, सब ने यार प्ले स्टोर का यूज़ आज तक किया है। सो गाइस यार, इसीलिए मेरा आप सभी से क्वेश्चन है, क्या आपको पता है प्ले स्टोर पे टोटल जो ऐप्स है वो कितने हैं गाइस? सो आप सभी में से 5-6% लोगों को भी पता नहीं होगा कि प्ले स्टोर पे कितने ऐप मौजूद है। सो आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है यही कि प्ले स्टोर पे टोटल कितने ऐप मौजूद है और ये दिन में कितने बढ़ते जा रहे हैं और एक दिन में कितने बढ़ रहे हैं, एक दिन में कितने कम हो रहे हैं। सो आज हम इस वीडियो में सब कुछ क्लियर करने वाले हैं, बट उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल मुनीश काल्टा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सबसे पहले भाई लोग सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड अपने सभी दोस्तों के बीच शेयर कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप सभी के लिए आपका भाई लाता रहता है। एंड हमें आप इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उसके अलावा इंस्टा पे हमारा नाम है मुनीश काल्टा। सो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड इस वीडियो का लाइक एम भी रहेगा 1,00,000 लाइक। सो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड सबको इस बारे में नॉलेज हो कि प्ले स्टोर के टोटल डाउनलोडर्स कितने हैं। सो गाइस प्ले स्टोर पे देखिए ऐसा है कि आप अगर कुछ भी सर्च करते हैं प्ले स्टोर पे तो आपको उस पे हज़ारों ऐप देखने को मिल जाती है। जैसे कि मैंने यहाँ पर देख सकते एप्पल सर्च किया तो देख सकते यहाँ पर अनलिमिटेड ऐप्स आई। अभी यहाँ पे मैं बनाना सर्च कर रहा हूँ और यहाँ पर देखना अभी इतनी सारी ऐप्स आएगी कि भाई क्या ही बोले। सो गाइस आपने इन ऐप्स में से बहुत ही कम ऐप को यूज़ किया होगा। जैसे कि बनाना सर्च करें तो आपने इस हिसाब से कोई भी ऐप डाउनलोड नहीं की होगी, बनाना आपने ऐसी कोई ऐप डाउनलोड भी नहीं की होगी, बट प्ले स्टोर पे ये सारी ऐप मौजूद है। तो इसको आखिर कौन डाउनलोड कर रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें भी किसी के तो 1,00,000 डाउनलोडर है, किसी के 2,00,000 एंड किसी के 10,000, किसी के 100। तो भाई कोई तो इसको डाउनलोड कर रहा है तभी ये डाउनलोडर्स जो है बढ़ रहे हैं। तो इसमें एक्चुअल में होता ये है कि कुछ डाउनलोड्स तो बाई मिस्टेक हो जाते हैं, हम कहीं गलती से किसी ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं एंड बाकी जो ऐप इनके डाउनलोड में आ रहे हैं वो गाइस और भी अलग अलग होते हैं। जैसे कि आप प्ले स्टोर पर अपना ऐप बनाते हैं तो आप अपने फ्रेंड वगैरह से डाउनलोड कराते हैं, तो जो तो ये 100-200 डाउनलोड है वो तो इसी चीज़ के है गाइस। बाकी हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि प्ले स्टोर के टोटल कितने डाउनलोडर्स है, प्ले स्टोर एक ऐप है इसके कितने डाउनलोडर्स है, इस पर हमने पिछले दिन एक वीडियो बनाई थी, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जो भी सर्च कर रहा हूँ उस पर भाई हज़ारों के करीब ऐप्स आ रही है। तो चलिए अब आपको मैं एक ऑप्शन देता हूँ कि जैसे कि यहाँ पे मैंने अभी बल्ब लिखा तो थोड़ा मेरा नेट स्लो है इसलिए यहाँ पे चल नहीं रहा है गाइज, ठीक है, बट यहाँ पे अगर मैं आप लिखोगे अगर आपका नेट चल रहा है तो यहाँ पर आपको बल्ब के नाम पे भी बहुत ज़्यादा ऐप्स देखने को मिलेगी। मतलब आप प्ले स्टोर पे कुछ भी सर्च करोगे आपको उस पर बहुत ज़्यादा ऐप देखने को मिलेगी जो कि आपने कभी यूज़ की ही नहीं होगी। तो प्ले स्टोर पर ऐसी ऐप कौन डाउनलोड कर रहा है तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, कुछ ऐप जो है बाई मिस्टेक इंस्टॉल हो जाती है, कुछ लोग ऐसे ही अपने मज़े में डाउनलोड कर लेते हैं, तो इस तरह से ये सारी ऐप जो है डाउनलोड होती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं फ़ोन पे के ऊपर भी यहाँ पे एक फ़ोन ट्रेड ऐप आ चुका है जिसके कि यहाँ पे फ़ोन पे के नाम के कारण ही 1,00,000 से अधिक डाउनलोडर हुए। ये इसीलिए हुए क्योंकि यहाँ पर कुछ कुछ मिलता जुलता फ़ोन पे से रिलेटेड एक लोगो लगाया हुआ है एंड इसीलिए इस ऐप के डाउनलोड्स बढ़े। तो इसी तरह यहाँ पर सभी लोग अपने पैसे छापने के चक्कर में इस तरह के काम करते हैं एंड ऐप के अंदर कुछ भी नहीं होता है, ऐसे ही टाइम पास बना देते हैं ताकि, क्योंकि आपको पता ही है आपको प्ले स्टोर से भी इनकम होती है, अगर आप अपना ऐप प्ले स्टोर में डालते हैं तो आपको पर डाउनलोड पर भी कुछ डॉलर मिलते हैं।
सो चलिए अभी हम बात करते हैं कि प्ले स्टोर पे कितने जो है डाउनलोड्स है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अभी मैंने फ़ैन लिखा तो फ़ैन पे ही देख सकते हैं, यहाँ पे इतने सारे ऐप आ चुके हैं जिसका कि हमारे लाइफ में कोई भी वर्क नहीं है, बस ऐसे ही यहाँ पर ऐप्स आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 लाख से अधिक, 50,000, इस तरह से यहाँ पे बहुत सारे ऐप है जिनके काफ़ी ज़्यादा डाउनलोडर्स है, एंड इसका अगर यूज़ बोले तो कुछ भी नहीं है। तो इसको लोग सिर्फ इंटरटेनमेंट पर्पस से अपने डाउनलोड कर लेते हैं। तो दोस्तों चलिए अभी बढ़ते हैं कि प्ले स्टोर पर टोटल कितने ऐप्स मौजूद है। तो आपको मैं पहले ऑप्शन देता हूँ एंड आप अपना एक गैस करिए, एंड मुझे बिना किसी चीटिंग के कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है प्ले स्टोर पर टोटल कितने डाउनलोडर्स होंगे। तो ऑप्शन है मेरे 1 लाख प्ले स्टोर पर ऐप है, या 10 लाख ऐप है प्ले स्टोर पे, या फिर 50 लाख है, या फिर 50 लाख से ज़्यादा है। तो गाइज ये चीज़ आपको मुझे बतानी है कि 1 करोड़ है, या फिर 2 करोड़ है, या 5 करोड़ है, या उससे भी ज़्यादा है। तो ये सारे ऑप्शन मैंने आपको दिए हैं, तो अभी आप कमेंट में जाके कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करके हमें बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है प्ले स्टोर पर अभी मौजूद ऐप कितने होंगे। तो ऑप्शन मैंने आपको सारे के सारे दे दिए हैं। अगर 5 करोड़ से आपको ज़्यादा लगते हैं तो आप 5 करोड़ प्लस डाउनलोडर ऐप्स यहाँ पर लिख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए आपने अभी अपना कमेंट कर दिया होगा, एंड अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि प्ले स्टोर पर टोटल कितने ऐप जो है मौजूद है। तो गाइज उससे पहले मैं आपको एक और बात बता दूँ कि जो प्ले स्टोर है यहाँ पर आप अपना ऐप, अगर आप यहाँ पर अपना ऐप कोई भी डालना चाहते हैं तो आपसे यहाँ पर 2500 रुपया लिया जाता है ऐप बनाने के बाद। आप यहाँ पर फिर ऐप अपलोड कर सकते हैं एंड उसकी प्रमोशन करने के बाद आप यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुनाफा भी कमा सकते हैं। और अगर आपका ऐप एक अच्छा ऐप हुआ तो उसके रियल जो डाउनलोडर्स है, जो बिना एड्स के आएंगे, वो डाउनलोडर्स भी यहाँ पर आपको मिल सकते हैं, बट आपका जो ऐप है वो उस लायक होना चाहिए। तो दोस्तों अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्ले स्टोर के 2018 में 15 लाख जो है डाउनलोडर थे, और जो कि 2020 में बढ़कर 40 लाख हो गए थे, और 2022 में ये 50 करोड़ हो चुके थे गाइस, ठीक है। तो मतलब कि आप ये समझ सकते हैं कि 2022 तक हमारे प्ले स्टोर पर 50 लाख ऐप जो है मौजूद है। उसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें कि एक दिन में प्ले स्टोर में कितने ऐप जो है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो 1000 से लेके 2000 ऐप एक दिन में प्ले स्टोर पर न्यू अपलोड किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर ऐप डेली टू डेली इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, और कुछ ऐप को यहाँ पर बैन भी किया जा रहा है, जो कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा बैन किया जा रहा है। तो इस हिसाब से अभी हमारे मौजूद जो प्ले स्टोर पर ऐप्स है, छोटे बड़े सारे जोड़ के 50 लाख से अधिक यहाँ पर हो चुके हैं 2023 की स्टार्टिंग में। सो गाइस होप आपको यार वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव ऐप से रिलेटेड वीडियोज़ आपका भाई आपके लिए लाता रहता है। तो चलिए यार मिलते हैं आप सभी से फिर किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइज़।